whether it's fitness, whether it's physical fitness, mental fitness. Mumbai Metro as a brand, it has got certain traits which are similar to the, you know, the sports field. The agility, the speed, you know, the quick way in which we ferry our commuters, almost 4.5 lakh commuters from one place to another. That is there in our DNA. Those are the traits which are almost similar to the sports and, you know, your field of fitness. So we thought, you know, might as well get associated with the organization and inspire people the way we have been inspiring people in Mumbai. फिटनेस के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. सब ट्रेनर साथ में काम करना चाहिए सबको. इनफैक्ट हम लोग के इधर बहुत होता है कि हम लोग एक दूसरे के बजाने की सोचते रहते हैं, अरे अरे इसको मार, इसको मारो, मुझे ऊपर आना है. ये गलत है, क्योंकि इंडिया में सबके लिए बहुत काम है. मेरा एक सिंपल फंडा है, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव. तो यही मेरा असूल रहा है लाइफ में, सब लोगों का भी यही असूल रहना चाहिए, क्योंकि काम तो सबके लिए है, बहुत काम है. ट्रेनर जो प्रोडक्ट का है, उन काफ़ी ट्रेनर्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और उनको स्पॉन्सरशिप्स मिलेंगी प्रोडक्ट्स के बारे में, और वो अपने क्लाइंट्स को बेचेंगे और उनका भी थोड़ा फ़ायदा होगा. तो बहुत अच्छी चीज़ है जो ये टीआरपी कर रहे हैं. सेलिब्रिटी ट्रेनिंग बहुत डिफरेंट है. मैं लोगों को बोलूँगा, ये मतलब अपना संडे मॉर्निंग ट्रेनिंग नहीं है. लोग सोचते हैं डंबल उठा दिया, काम हो गया. नहीं नहीं नहीं, इसमें बहुत प्लानिंग चाहिए होती है हर चीज़ की, डे टू डे प्लानिंग. उस 4 महीने में हमको उस लुक को पूरा ख़त्म करना पड़ता है. उसके बाद टफ टाइम स्टार्ट होता है, क्योंकि बंदा 10 घंटे शूट भी कर रहा है, ट्रेन भी कर रहा है, और उसको फिर हम लोग को उसके अकॉर्डिंगली पूरा डाइट प्लान करना पड़ता है. क्योंकि जब हम लोग प्रेप में रहते हैं तो वाटर इंटेक मेजर करते हैं, सॉल्ट इंटेक मेजर करते हैं, खाने का कितना पोर्शन साइजेस है सब कुछ मेजर करते हैं. तो एवरीथिंग इज़ मेजर टू द टी. मतलब बंदा दिन में कितना पानी भी पी रहा है वो भी मॉनिटर होता है. हाँ, इस लेवल की ट्रेनिंग की जाती है, मतलब वरना अचीवेबल नहीं है. जो उनके लुक रहता है या जो उन्हें कैरेक्टर में घुसना होता है फिजिकली, वो अचीवेबल है ही नहीं. तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द एक्टर एंड इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग फॉर द एक्टर. इट्स नॉट दैट हर बंदा ये कर सकता है. मोटिवेशन बंदे का रहता है, और फरहान अख्तर जैसे आप इंसान तो 100% घुस जाते हैं. हाँ, उनके बारे में क्या करूँ, जितनी भी तारीफ करूँगा वो कम है. वो तो 100% घुस जाते हैं. अभी उनके साथ मैं करंट फिल्म भी कर रहा हूँ, तूफान, सेम है. जो मैंने उनके साथ भाग मिलकर भाग करी थी, और अब की ट्रेनिंग में मैं मतलब 5 या 6 साल हो गए होंगे, पर मैं कोई उनमें डिफरेंस नहीं देख पा रहा हूँ कि भाई उनकी मोटिवेशनल लेवल वो आज भी ही सेम है. हम काफ़ी सालों से फिटनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, मैं और रोहित. हमने काफ़ी सारे फिटनेस के एग्जीबिशंस किए हैं, और हम चाहते थे कि जो लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं हमारी हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री में, अगर आप देखेंगे कोई भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट ब्रांड, वो सबसे पहले ट्रेनर इस्तेमाल करते हैं, तभी जाके वो अपने क्लाइंट को देते होंगे. कोई भी जिम इक्विपमेंट ब्रांड, ट्रेनर चलाना सीखते हैं वो इक्विपमेंट पहले, और फिर वो क्लाइंट को चलाना सिखाते हैं वो इक्विपमेंट. तो ट्रेनर जो है वो इस इंडस्ट्री का बहुत ही अहम हिस्सा है. उसको ऊपर लेके जाना, सर जैसे लोगों को ऊपर लेके जाना, और उनकी छत्र छाया में इन लोगों को आगे बढ़ना सिखाना, ये हमारा मोटिव था. 22 साल से इस लाइन में हूँ, पर जब मैंने भाग मिल्खा भाग की थी मेरी पूरी लाइफ टर्न अराउंड हो गई थी. पर मैं लोगों को बोलता था, भैया मैं सेम ट्रेनर ही था जो मैं 22 साल पहले था, कुछ बदला नहीं, मेरे पास वही नॉलेज थी, पर वो एक फिल्म ने मेरी लाइफ पूरी टर्न अराउंड कर दी थी. क्योंकि आई थिंक वो ड्रीम प्रोजेक्ट था किसी भी ट्रेनर के लिए, जितना भी आपको नॉलेज थी एक निचोड़ कर वो एक ही जगह में डालनी थी. तो वो ड्रीम प्रोजेक्ट था किसी भी ट्रेनर का, और भगवान की शुक्र मेरे हाथ में आई थी वो. सर मुश्किल तो बिल्कुल नहीं था सर, क्योंकि हमने खाली हम्बली बहुत ही प्यार से हाथ जोड़ के सबको कॉन्सेप्ट सुनाया था कि सर हम अपनी ट्रेनर फ्रेटर्निटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, और आप देख रहे हैं कि सब हमारे साथ खड़े हैं. आज उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम में मैंने बताया, मुझे जिम में मिले थे और उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट समझाया था, मैंने उधर ही हाँ बोल दिया. मैंने बोला मुझे सुनना ही नहीं है कुछ, हाँ मैं इन हूँ. तो कॉन्सेप्ट एक ही तुरंत ही अच्छा लगा. हमको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, जैसे ही हमने इंडस्ट्री को बोला कि हमें ट्रेनर्स को ऊपर लेके जाना है, ये इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमको. और हमारे ब्रांड्स हैं जिनसे हम अगली बात करेंगे, जिनके वजह से ये पूरा प्रोग्राम पॉसिबल हो रहा है. ये ब्रांड्स ही हैं जो इन सारे ट्रेनर्स को स्पॉन्सरशिप देंगे, प्रोडक्ट्स देंगे, उनको आगे लेके जाएंगे और प्रमोट करेंगे. जैसे ये बहुत मैं आपको एक एग्जांपल के तौर बताता हूँ. मैं गोल्ड जिम जाता हूँ, मैं लोगों को देखता हूँ कि कोई बंदा ट्रेनर के पास जाता है, बोलता है यार मुझे पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए.
तो वो बंदा बोले सर मैं आपको 20,000 में कर दूंगा, 5 मिनट के बाद एक दूसरा ट्रेनर आकर बोले सर उसके बाद मैं। अपने ब्रांड को ही खा रहे हो, आप अपने ब्रांड को ही कम कर रहे हो ना, यो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए तो कि मीडिया हाउसेज आर देयर, मीडिया हाउसेज आर प्रेजेंट एंड आई द आइडिया बिहाइंड इंस्पायर इंडिया समिट एंड टीआरपी टू बी ऑनेस्ट विद द ब्रांड्स, क्योंकि मेरे को एक साल काम नहीं करना है इन लोगों के साथ, मेरे को अगले 10 साल काम करना है, और अगर मैं एक साल बोल के पैसा लेके चल जाऊँगा तो फिर मैं एग्जीबिशन कंपनी बन जाऊँगा, ईमानदार नहीं रख पाऊँगा। तो मेरा मोटिवेशन ये है कि जितनी ईमानदारी जितनी मेहनत के साथ इन सर के साथ सबके साथ काम करें, एंड दीज आर द ब्रांड्स आई वांट टू इंट्रोड्यूस, प्रणय जैन, मांडवी फ्रॉम वन लाइफ, प्रणय जैन सर एंड सर, सो दीज आर द फोर ब्रांड्स हैव सपोर्टेड अस थॉरली, कि इन्होंने बोला कि यार मैं गया और मेरे को पहली पहली मीटिंग में लाइक कि करो, अब टीआरपी प्रोग्राम में क्या करा कि जहाँ पे ट्रेनर्स को ब्रांड्स की नहीं, टारों में से किसी एक के पास जाके बोलता कि भैया मैं आपको एक कूपन कोड, मतलब मैं आपको 1,000 ट्रेनर से कोलैबोरेट कराना चाहता हूँ 1 महीने 6 महीने के अंदर, तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों के दिमाग में ये आती कि भैया 1,000 प्रोटीन के बॉक्सेस और 1,000 BCAA लेने पड़ेंगे, ये तो हम लोग भी कर लेंगे बोलते, आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो, तो ये तो ईजी है ना कि लोगों को सामान दे के लाना, तो फिर मेरे दिमाग में था कि मैं ब्रांड्स की पॉकेट में हल्का कैसे करूँ, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा एक ब्रांड के साथ काम करना सबके साथ करते, तो मैंने सबसे बोला प्रोडक्ट के सैंपल, सबने सैंपल दिए, टी शर्ट डाली, एक शेकर डाला। नाउ जितने भी फिटनेस ट्रेनर्स बम्बई में और ये बात जो भी सुनेंगे, सिर्फ बम्बई के लिए, क्योंकि बम्बई के लिए भी क्यों है ये प्रोग्राम वो भी आपको बताऊंगा, तो बॉम्बे में जितने भी फिटनेस ट्रेनर्स ये इवेंट अटेंड करें, मतलब हैं, तो ये 1,000 ट्रेनर्स को हम स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिनमें उनको हर महीने गुडी बैग मिलेगा जिसमें सैंपल्स होंगे, अब उस गुडी बैग के साथ एक कूपन कोड ही मिलेगा, अब उस कूपन कोड का कहना कि वो कूपन कोड इन सारे ब्रांड्स की वेबसाइट पर चलेगा, नॉट जस्ट वन, सो फॉर एग्जांपल मेरा नाम रोहित है, मैं ट्रेनर हूँ, तो इंस्पायर रोहित इज माय कूपन कोड, अब इंस्पायर रोहित विल बी एक्सेसिबल ऑन बॉडी फर्स्ट, वन लाइफ, न्यूट्रीअप एंड ट्रैक बास, तो सबकी ब्रांड्स की वेबसाइट पर चलेगा, दैट इज अप टू द ब्रांड्स एट हाउ मच डिस्काउंट दे वांट टू गिव इट टू देम। तो अब इससे क्या हो गया ना कि एक इंसान को प्रमोट करने के लिए चार चीज़ मिल गई, अगर वो किसी एक ब्रांड के एसोसिएट होता तो यार वो कितना बात कर लेगा, मैं बहुत ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि कितनी बात कर लेगा, प्रोडक्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट के पास जाते हो बोलते हो ये लो प्रोटीन का डब्बा, तो बोलेगा भाई ये तो होगी फोर्स सेलिंग, कि तुम बोलो तुम लेते तो ये थे, लेकिन जब वैन यू गिव दम ऑप्शन, तो कहा कस्टमर को आप ऑप्शन दे तो कस्टमर खरीदता है, लेकिन अब कस्टमर को ऑप्शन नहीं तो बोलेगा तो ये पागल ना रहा, फोर्स सेलिंग हो गई। तो अभी यहाँ पे हमने उनको ऑप्शन दे दिए कि ट्रेनर्स को फ्री में दिया, उनसे 1 रुपया चार्ज नहीं करा, ठीक है, उनको अभी क्या होगा, ट्रेनर्स आर यार बहुत ऑनेस्ट बात है कि हम थोड़े बहुत सोशल मीडिया के बारे में जानते हो सर, बट ट्रेनर्स आर नॉट दैट ऑन दैट ग्राफ, क्योंकि सोशल मीडिया के बारे में नहीं पता। तो अभी हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करा, अभी कैप्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग क्लास ऑन द डे ऑफ द इवेंट आज के दिन पे, कि जहाँ पे इन ट्रेनर्स को सिखाया जाएगा कि भैया सोशल मीडिया पे पोस्ट कैसे करते हैं, प्रोडक्ट मिले आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करो, गेटिंग बैक टू थर्ड थिंग, अभी अगर एज अ ब्रांड हम किसी ट्रेनर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं तो मैं ब्रांड की तरफ से, अब यहाँ पे हमारे को क्या हुआ, सो पिक्चर्स मिल गई, ट्रेनर्स को फ्री गुडी बैग मिल गए, और उसके बाद अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग मिल गई, तो ये बन गया टीआरपी प्रोग्राम। इस टीआरपी प्रोग्राम को भी प्रमोटिंग थ्रू आउट द 6 मंथ, 20 जिम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और हर जिम एक्टिविटी में क्या होगा, देयर विल बी 4 ब्रांड्स टू 5 ब्रांड्स एट वंस, एक ब्रांड नहीं प्रमोट कर रहे हम, सारे ब्रांड इक्वली प्रमोट कर रहे हैं, अब हम कस्टमर को चॉइस दे रहे हैं, अगर आप कस्टमर को चॉइस दोगे तो खरीदेगा, वो एक वीक पॉइंट है। फिर इसके बाद एक इंस्पायर इंडिया अवार्ड्स हो रहा है कि हमें उन लोगों को ऑनर करना है जो लोग डिजर्व करते हैं, हमारे एथलीट्स डिजर्व करते हैं, हमारे एथलीट्स के पास सिर्फ एक कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए जब वो कम्पीट करें, लेकिन उनके पास हमें कुछ ऑनर करने के लिए जगह भी होनी चाहिए। तो दिस अवार्ड शो इज डेडिकेटेड टू इंडियन एथलीट्स, बहुत अलग अलग कैटेगरी, इंस्पायरिंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इंस्पायरिंग न्यू फेस ऑफ द ईयर, जिन लोगों ने कुछ कुछ करा उन सबके लिए कैटेगरी बनाई गई है, मैंने ऐसे नहीं देखा कि तुम बड़ा तुम छोटे, नहीं तुम सभी को। फिर इसके बाद एक नेटवर्किंग नाइट है जहाँ पे सब लोग एक आपस में मिलकर बातचीत करेंगे, उसमें मैं चाहूँगा फिर आप बहुत डिटेल्ड डिस्कशन दे सकता हूँ, मैं 2 घंटे बिना बोले मतलब रुक के बात कर सकता हूँ, बट मैं चाहूँगा कि ये मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये इन बिकॉज ऑफ दीज गाइज वी आर प्रेजेंट। अगर मांडवी एंड गौरव सर वुड हैव सेड यस तो वन लाइफ नहीं होता, तो नहीं होता, मतलब ये नहीं हो पाता। फिर उसके बाद बॉडी फर्स्ट एज, फिर अपना ट्रैक बार सेड यस, देन सर सेड यस, तो ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, मैं तो एक छोटा सा मीडियम हूँ इस चीज़ को करने का, लेकिन मेन कॉन्ट्रीब्यूशन इन लोगों का, तो आई एम नॉट द स्टार ओवर इट, अगर ये नहीं होते तो मैं नहीं होता यहाँ पे। तो बिकॉज दीज गाइस हैव पुट इन द मनी, दैट्स व्हाई वी आर स्टैंडिंग ओवर इट, बहुत ऑनेस्ट बात है। और तो जो फेम जाना चाहिए ना वो इधर नहीं जाना चाहिए, हम तो आइडिया क्रिएट कर सकते हैं, मैं दिन में 4 आइडिया सोचता हूँ, लेकिन जो 4 आइडिया का सपोर्ट करता वो इंसान अच्छा होता ना। इज हमारा लोगो ये लिव इट राइट, मतलब हेल्दी लिविंग, सो वेदर इट इज जिम गोइंग पर्सन और योगा ट्रेनर और एनीवन, दे लिव हेल्दी एंड दे प्रमोट हेल्दी लिविंग, इट्स नॉट बॉडी बिल्डिंग। सो जब रोहित आए थे ये आइडिया लेके हमारे ओनर के पास, मिस्टर गौरव अग्रवाल, सो ही लाइक्ड एंड ही वांटेड टू प्रमोट हेल्दी लिविंग, एंड दैट इज़ वाई वी डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट।